आज का हमारा टॉपिक है डाइसेक्राइड, जिसको हम डबल शुगर भी बोलते हैं। डाइसेक्राइड जो है, ये एक शुगर है जो कि ऑब्टेन होती है जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज के साथ, तो इसके रिजल्ट में डाइसेक्राइड बनता है। मोनोसेक्राइड की तरह डाइसेक्राइड भी इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। हमारी बॉडी में जो है डाइसेक्राइड बहुत क्विक फंक्शन करता है, और ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत जल्दी ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये बनते हैं सिर्फ दो शुगर मॉलिक्यूल्स के, जो कि बहुत आसानी से ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और देयर रिस्पेक्टिव मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं हमारे खून के साथ, हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ ये मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेस स्वीट इन टेस्ट हो जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा मीठे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर सक्राइड्स। ये रिक्वायर करते हैं दो मोनोसक्राइड्स में हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए, और इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो C12H22 है, O11 है। हमारे पास यहाँ पे तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइसक्राइड्स हैं। एक है हमारे पास सक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज। सक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। सक्रोज जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड है, जिसको हम कहते हैं टेबल शुगर भी, और ये पाया जाता है फोटोसिंथेटिक प्लांट में एक्सेस अमाउंट ऑफ में, और ये कमर्शियली ऑब्टेन हम इसे करते हैं शुगर केन से और शुगर बीट से। शुगर केन मतलब गन्ना, और शुगर बीन जिसे हम शकरकंदी कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है सक्रोज का, वो कंप्राइज करता है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ये जो अल्फा फॉर्म है ये होती है ग्लूकोज की, जबकि बीटा फॉर्म जो है इसकी वो है फ्रुक्टोज की। जो सक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग, ये डाइसेक्राइड फॉर्म है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है इसका ग्लूकोज का होता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फ्रक्टोज का होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ग्लूकोज के लिए अल्फा है और फ्रुक्टोज के लिए बीटा है। इसका जो फॉर्मूला है वो C12H22 है, O11 है। हमने जैसे पीछे पढ़ा कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें 1-2 लिंकेज हैं, और ये बोथ जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज की हैं और कीटोन्स ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज की हैं, मतलब ये फ्री फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन रिएक्टिंग भी कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। अगला हमारे पास है लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, जो कि पाया जाता है तमाम मैमल्स के मिल्क में, और लैक्टोज जो है ये स्वीट नहीं होती टेस्ट में, और इसमें जो है लैक्टोज में पाया जाता है एक लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट एंड 1 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये दो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए। ये जो हैं बाउंडेड करती हैं 1,4-ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के साथ बीटा ओरिएंटेशन में। हमने ये नोटिस किया है कि जो लैक्टोज है ये रिएक्टिंग शुगर है, क्योंकि इसमें एक फ्री हेमीएसिटाइल हाइड्रोक्साइड्स पाया जाता है। सो जब हम इसको रिएक्ट करते हैं लैक्टोज को ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये हमें देता मोनोकार्बोऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टोस। मेल्टोस जो है ये और बहुत कॉमनली फाउंड डाइसेक्राइड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये दो मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये मेल्टोस देते हैं। ये लिंक करते हैं बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोस एंड द फोर्थ कार्बन एटम ऑफ एन अदर ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स। सो ये जैसा कि हम जानते हैं, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो ये हमें देते हैं ग्लाइकोसाइटिक 1,4-ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। मेल्टोस में जो है इसमें फ्री हेमीएसिटाइल हाइड्रोक्साइड्स पाया जाता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा अंडरगोज म्यूटा रोटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से अल्फा मेल्टोस और बीटा मेल्टोस बनता है। तो कि ये एक पॉजिटिव टेस्ट के रिजल्ट में बनता है, पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रीएजेंट। और ये जो है इट फॉर्म्स बाय द ज्वाइनिंग ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स, और ये हमें देते हैं, ये पाए जाते हैं सीड्स में, और ये जो है स्वीट इन टेस्ट होते हैं।